Hi dear students, let's see this question that was asked in KVPY 2020 SX part 2 physics paper. In relation to other questions that were asked in KVPY 2020 SX part 2, this was an easier one. Okay, although the calculations were quite heavy, but since you have calculators, so it should not have been a problem. So basically Kangri, there's something called as Kangri, which is an earthen pot. Okay. So its surface area has been given as 7 into 10 to the power minus 2. So let's say this is the Kangri, not Kangri, Kangri. 7 into 10 to the power minus 2 is ka surface area hai, right? Iske andar there is a combustible substance jiska total mass kitna hai? 300 grams. Theek hai? Total mass kitna hai? 300 grams. So coal, lakdi, patte, ye sab mila ke humne ek combustible substance iske andar create kar liya hai, right? Iski calorific value kitni hai? 30 kilojoules per gram. That means अगर एक ग्राम ऑफ सब्सटेंस बर्न करेगा सो 30 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है? बट एफिशिएंसी 10% है, मतलब अवेलेबल जो होगी हीट उस वो इसका 10% ही होगी, राइट? तो बेसिकली वी कैन से इफेक्टिव कैलोरीफिक वैल्यू 3 किलो जूल्स पर ग्राम, दैट मींस इतनी हीट अवेलेबल है हमारे पास वो 3 किलो जूल्स पर ग्राम है, राइट? द सरफेस टेंपरेचर ऑफ द कांगरी इज 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका जो सरफेस टेंपरेचर है 60 डिग्री सेल्सियस है. रूम टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है. तो क्वेश्चन में वी हैव टू से कि कितनी देर तक ये कांगरी लास्ट करेगा, दैट मींस कितनी देर तक हम इसको यूज कर सकते हैं हीटेड रखने के लिए, ठीक है? तो जैसे गर्मी, जैसे जो ठंड होती है ना, ठंड कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, राइट? तो विंटर्स के एनवायरनमेंट में अपन इस टाइप की चीजों को जला के उसके ऊपर हाथ वगैरह सेक सकते हैं, तो उससे ना बॉडी गर्म रहती है, हाथ गर्म रहता है, ठीक है? तो बेसिकली वही पूछ जा रहा है कि कितनी देर तक इसको हम ऑपरेशनल रख सकते हैं हाथ वगैरह सेकेंगे, तो सेकने से मतलब है यू नो हाथ वगैरह गर्म रहेगा, बॉडी गर्म रहेगी, ठीक है? तो बेसिकली मतलब कितनी देर तक ये हीट हमें देता रहेगा, ठीक है? नाउ इफ यू अप्लाई स्टीफन्स लॉ, तो नेट पावर विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फ्रॉम दिस कांगरी इज नथिंग बट ई ए सिग्मा. टेम्परेचर इज 60, सो इफ यू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन इट विल बी 333 की पावर 4 माइनस द रूम टेम्परेचर इज 273. So that is 273 की पावर 4. Okay, so we can say that this is the net rate of power loss. ठीक है, net rate of power loss. ठीक है, तो E का value 1 है, black body दिया है, surface area की value दे रखी 7 into 10 to the power minus 2, right? And sigma is Stefan constant, 5.67 into 10 to the power minus 8, ठीक है, into 333 की पावर 4 minus 273 की पावर 4. Okay, so this power can be calculated. Okay, now how much heat is available? ठीक है, हीट अवेलेबल है वो लिखी जा सकती है, as I said, effective calorific value को अपन 3000 ले सकते हैं, because only 10% heat available है, तो 3000 into 300 total, ठीक है, 300 grams into 3000, so this is the effective value of the heat available to us, ठीक है, in joules, right? तो इस total heat को जब हम इतने इस पावर से डिवाइड करेंगे तो टाइम इन सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है, टाइम इन सेकंड्स हमारे पास आ जाएगा 3000 इनटू 300 डिवाइड बाय पावर करने से, ठीक है? तो ये जो पावर करने से जो टाइम आएगा सेकंड्स में आ जाएगा, उसको अपन आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? 3600 सेकंड्स होते हैं वन आवर में, तो उसको अपन आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वंस यू कन्वर्ट दैट इनटू आवर्स, ओके, द क्लोजेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 10. ओके, यू कैन डू द कैलकुलेशंस. सो वंस यू डू दैट द क्लोजेस्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन B, which is 10. So this is how you are going to do this question. Okay, so as you can see, there was only calculations, but since you have calculators, so should not have been much problem. That's it. Thank you.